डीजे देख लो, सही से डीजे तैयार होने लग रही है भाई। ये कावड़ पर ये देख लो, शायद ट्राले खड़े हैं लोग। ये देखो डीजे, ये देख लो बोलो। लो भाई बोलो फिर, जय बोलेगी सब तो पहले तो। और फिर आ गया भाई थारी डिमांड पे, एक नई वीडियो लेकर थारी तुर है। गणे बोलिया की डिमांड आ रही थी भाई, पार्किंग बता दो, डीजे कावड़ लेकर आनी है, पार्किंग बता दो, पार्किंग। तो भाई पार्किंग की वीडियो लेकर आ गए हैं थारी खातर सब तो पहले तो, क्योंकि डीजे जो कावड़ आने लगे नई वे दो चीज मान लगेंगी, उससे पहले थारा पार्किंग वाला जो लफड़ा है ना वो क्लियर करते। तो मैं बताता हूँ एक बार करते हैं। ये जो रोड देख रहे हो ना आप, मेन ये जो रोड है जो हरिद्वार में एंट्री करता है, दिल्ली हरियाणा यूपी जितने भी स्टेट है सारी इस रोड से सीधी आ गई भाई देखो। और जो इस साइड में आप तो दिखाऊं तो वो सामने थोड़ी सी दिख रही होगी बोलेगी, जो सबसे बड़ी मूर्ति है भाई, उस तो जस्ट 100 मीटर आगे आ गए ना आप, 100 मीटर आगे आते ही उल्टे हाथ में पंत द्वीप पार्किंग निकटर की पौड़ी गेट नंबर एक, ये सामने देख सकते हो आप गेट नंबर एक है पार्किंग का। और इससे थोड़ी सी आगे चलोगे ना जस्ट 200 मीटर तो गेट नंबर दो मिल जाएगा अपने मेन रोड पे ही बिल्कुल, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हो आप। और इससे अगला जो गेट है 2 नंबर गेट वहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। तो एक बार अंदर चलते हैं, और भाई इसमें एंट्री करने की शायद ये पर्ची वगैरह काटते हैं वो अभी एक बार थरते दिखा दे चाल कर। चल भाई एक बार बोले पूछ लिया मैंने पार्किंग के नाम, रेट बता देता हूँ आपको। जो पार्किंग है गेट नंबर एक और गेट नंबर दो, दो गेट हैं, दोनों गेटों से किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हो पार्किंग में। और पार्किंग के जो रेट है ना ट्रैक्टर और ट्रॉली है तो बोलो 180 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा पार्किंग का। अगर आपके पास बड़ा कैंटर है भाई, जो डीजे डाक का उड़ाओगी कैंटर है, पिकअप है, कुछ भी है, तो 120 रुपये आप पर चार्ज किया जाएगा। अगर आपके पास व्हीकल गाड़ी है जैसे पीछे गाड़ी जान लग रही, तो अगर इसकी पर्ची कटेगी तो 90 रुपये की पर्ची कटेगी। और अगर आपके पास बाइक है, बाइक चला के ले जा रहे हो, तो 40 रुपये की पर्ची बाइक की कटेगी। तो यह जानकारी की टोटल एंट्री आप गेट नंबर एक से भी कर सकते हो और गेट नंबर दो से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। तो एग्जिट है ना वो 2 नंबर गेट से ही होगा, 1 नंबर गेट से सिर्फ एंट्री हो सकती है, एग्जिट 2 नंबर गेट से ही होगा। 2 नंबर गेट भी अभी थरते दिखाओगे, इस तो पहले एक बार थरते पार्किंग दिखा दें, क्योंकि डाक कावड़ ना अभी आनी स्टार्ट भी नहीं हुई है और भाई पार्किंग ऑलमोस्ट फुल जैसी है, मतलब फुल ही हो चुकी है, थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूरी हो जाएगी 1-2 दिन में। तो आपको दिखा देते हैं लाइव तस्वीरें, आप देखोगे वीडियो ने लाइक कर दियो शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा। लो भाई बोलो ये होगी एंट्री, स्कूटी पर बैठा बैठा दिखा दूँ क्योंकि पैदल घूमूंगा तो भाई ज़्यादा जोटा लाग जाएगा। ये एंट्री होगी पार्किंग में, ठीक है, ई वाग पार्किंग है, देखते रहियो भाई पार्किंग। जो भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे भाई पार्किंग दिखा दो, पार्किंग दिखा दो, पार्किंग के रेट बता दिए। ये देखो जो गाड़ी वगैरह ना कार वे इस साइड में खड़ी मिलेंगी ऑलमोस्ट, जो गाड़ी कार हैं वे इस साइड में ऑलमोस्ट मिलेंगी, बाकी कावड़ वगैरह इस साइड में बहुत कम देखने को मिलेगी आपने। देख सको आप चारों तरफ लो भाई बोले उस साइड तो आ गई पूरे थोड़ी, और देख लो पार्किंग, पार्किंग ये है पूरी पार्किंग भाई, जो भी आप देख सकते हो ना ये पूरी पार्किंग है। ये देखो यहाँ पे अभी जो पैदल की पदयात्रा वाली कावड़ है ना, जो बड़ी कावड़ उठती हैं वो लगातार वो तैयार होने लग रही है भाई पूरे ग्राउंड में। जब तक डाक कावड़ आऊँगी जब तक ये सारी यहाँ से निकल जाएंगी और डाक कावड़ खातर पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये सारी बड़ी कावड़ तैयार होने लग रही है भाई, जितनी भी होने लग रही हैं, किसी साइड भी देख लो ये सारी बड़ी कावड़ तैयार होने लग रही हैं भाई, पूरी पार्किंग है या गेट नंबर एक से जो हमने एंट्री करी थी ना उसी की पार्किंग है ये, इस साइड पूरी देख सकते हो आप। ये देखो चारों तरफ बढ़िया माहौल बन रहा भाई, बोलेगा बढ़िया एक नंबर का माहौल बन रहा कति, देख लो भाई यह पूरी पार्किंग है जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये सारी जितनी भी कावड़ तैयार होने लग रही है ना ये सारी माँ कावड़ हैं, जो बड्डी कावड़ बोली जाती हैं ये सज धज का है, और इतना डाक कावड़ आओगी इतनी ये खाली हो जाएंगी पूरी अड़ी तक, एक से एक कावड़ सजन लग रही है भाई पूरी पार्किंग है। ये देखो ये सारी विशाल डाक, विशाल कावड़ है, डाक तो है नहीं है, पदयात्रा है या विशाल कावड़। इधर देख लो भाई पूरा, ये पूरी पार्किंग की वीडियो है देख सकते हो आप। ये देखो हरिद्वार यात्रा विठण से हरिद्वार, देखो भाई बोलो एक तो एक डीजे आ रहा भाई, काकड़ एक तो 100 डाले रेट था कर।
ये देखो ये माँ कावड़ ट्राली अरे ट्राली, ये देखो डीजे कमी में बन हो रहा भाई, बढ़िया फुटी कावड़ तैयार होने लग रही है। ये देख लो बोलो, ये पूरे बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्राले जुड़ रहे हैं भाई फिलहाल तो, सारे देख सको आप, यह पूरी पार्किंग है जो कि डाक कावड़ आने से पहले ये कावड़ यहाँ से निकल चुकी होंगी, ये कावड़ यहाँ पर नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये विशाल बड़ी कावड़ है भाई। ये देखो पार्किंग का ये लास्ट हिस्सा है बिल्कुल, इस साइड उस साइड गंगा घाट है और इन घुमा ले रहे। देखो भाई ये कावड़ यात्रा संघ, ये बड़ी कावड़ तैयार होने लग रही है, ये डीजे सिस्टम देखो भाई ट्रेले में सेट होने लग रहा, कति पूरा बड़ा डीजे सिस्टम है भाई। सब्सक्राइब कर चैनल सरपंचपाल के नाम से, सरपंचपाल डीजे देख लो, इसे ही से डीजे तैयार होने लग रही है भाई, ये कावड़ बड़ी कावड़ तैयार होने लग रही है बिल्कुल। ये देख लो शाम ट्राले खड़े हैं, लो पछा पड़े हैं कति, फिलहाल डाक कावड़ नहीं मिलेगी आपने इस पार्किंग में तो एक भी, बड़ी माँ विशाल कावड़ तैयार होने लग रही है। ये देखो बोले की कावड़ है, पूरी बड़ी बड़ी कावड़ तैयार होने लग रही है भाई, ये देखो सामने। ये पूरी पार्किंग की वीडियो थी दोस्तों, ये पूरी पार्किंग की वीडियो थी, और अब आपको दिखाते हैं गेट नंबर दो। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हो गेट नंबर दो है, ये है बोलो गेट नंबर दो, जहाँ से एग्जिट होता है बोलेगा का भाई, गेट नंबर दो से एग्जिट होगा बोले जय बोलेगी, ये गेट नंबर दो है भाई देख सकते हो बोले आप, यहाँ से एग्जिट होगी आपकी कावड़ जो भी कावड़ आओगी। लो भाई देखो पूरी पार्किंग की वीडियो आप तो दिखा दी भाई, ये बाइक की और बोले एक बाइक अगर आप ले आते हो ना तो ये सामने दो नंबर गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, बिल्कुल दो नंबर गेट के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, ये पूरी बाइक की पार्किंग है, पूरी ओनली बाइक्स यहाँ पर खड़ी होंगी, ये देख सकते हो आप पार्किंग यहाँ खड़ी हो सकती है बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी बाइक की पार्किंग है, इसमें बड़ी गाड़ी वगैरह और कुछ भी नहीं मिलेगा आपने, बस पार्किंग मिलेगी ओनली पार्किंग। देखो पूरी बढ़िया बहुत बड़ी पार्किंग है भाई अभी बाइक का की। ये बोले गेट नंबर दो से आप एंट्री करोगे ना तो लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल आपको बाइकों की पार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो ये वीडियो थी भाई, एक बार बोला था बात भी कर लेंगे ₹40 की पार्किंग है जुगर बाइक की, ₹40 की 24 घंटे खातर 12 घंटे उसके बाद 40 फिर कावड़ी होगी किसी की बाइक हो, कावड़ में बाइक हो किसी की हो है तो भाई ये बोले हैं पार्किंग है जो या बाइक की ₹40 की पर्ची कटेगी आपकी 12 घंटे के लिए यहाँ की। तो ये वीडियो थी बोलो भाई, जो भी आप तो बताना था, पूरी पार्किंग का सिस्टम दिखा दिया, पूरी पार्किंग दिखा दी भाई, और एक ही पार्किंग है बोलो यार जहाँ पर कावड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा है। और एक लास्ट में सबसे बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको उत्तराखंड सरकार की, ये देख सकते हो आप सामने होटल लगा दिए हैं, ये देखो इस साइड भी होटल उस साइड भी ये होटल लगा दिए हैं, ये भाई उत्तराखंड सरकार ने पैसे कमाने के लिए किया, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के पास पैसे की कमी होगी तो ये बोलो कि पार्किंग में भी होटल बनवा दिए हैं देखो पैसे लेकर, तो वाह भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो थी बोले फुल पार्किंग दिखा दिया आप तक, गेट नंबर एक से एंट्री करो किसी तरह दो तक एग्जिट करो, तो ये पूरी पार्किंग थी, रेट भी बता दिया था तो भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, और लास्ट में वो ये बोल शंकर भगवान की जय।